नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आज की बुलेटिन की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार। झारखंड में लॉकडाउन का 20वां दिन। राज्य में 19 संक्रमित मिलने और 2 की मौत के बाद भी नहीं सुधर रही है स्थिति। बैंकों में पहुंची भीड़ ने खोले व्यवसायों की पोल। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। इनमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। 17 राज्य के विभिन्न अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद लोगों में जागरूकता नहीं दिख रही है और न ही उनमें कोरोना वायरस का कौफ दिखता नजर आ रहा है। गुमला के घाघरा में बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच की तस्वीर इनकी हकीकत बयां कर रही है। वहीं गिरिडीह में 3 दिन बंद होने के बाद बैंक खुलने से बैंक ऑफ इंडिया व्यापारी शाखा में महिलाओं की पहुंची भीड़। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ना मानने वालों की संख्या काफी अधिक देखने को मिली। उधर गुमला और गिरिडीह में बैंक पहुंची भीड़ लॉकडाउन के उल्लंघन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाती दिखी। इस दौरान लोगों में जागरूकता का साफ तौर पर अभाव दिखा। भीड़ में अधिकतर लोगों ने एहतियाती के तौर पर मास्क वगैरह भी नहीं लगाया था। इस दौरान भीड़ से थोड़ी दूर पर खड़े होने की अपील बैंक कर्मियों द्वारा की गई, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा। इन दिनों बैंकों में भीड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 500 रुपए निकालने को पहुंच रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3 गुनी ज्यादा हो गई है। पिछले हफ्ते जहां कोरोना वायरस से सिर्फ 83 लोग मरे थे, वहीं इस हफ्ते 308 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण की मौत की तुलना भी काफी कम है। पिछले हफ्ते जहां 3577 लोग संक्रमित थे, वहीं इस हफ्ते अब तक 9152 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया की बात करें तो अब तक इस वायरस से मरने वालों की संख्या 1,00,000 से भी ऊपर हो चुकी है, जबकि 16,00,000 से अधिक लोग इससे अभी भी संक्रमित हैं। 14 अप्रैल को समाप्त हो रहे लॉकडाउन पर आज कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण का ऐलान कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए भी अहम घोषणाएं हो सकती है। कोरोना संक्रमण को तीसरे चरण में पहुंचने से रोकने के लिए केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान देश भर में हॉटस्पॉट की पहचान करने में जुटी है। इन इलाकों में सील कर उनमें अधिकतम टेस्टिंग की जाएगी। दरअसल वायरस को तेजी से फैलने से रोकने के लिए अप्रैल का दूसरा पखड़ाव अहम है और केंद्र एवं राज्य सरकारें पूरी शक्ति से काम में लगी हुई हैं। पीएम मोदी के साथ शनिवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में लॉकडाउन आगे बढ़ाने की सहमति में हां भरी और उन्हें भी यह बताया कि आगे लॉकडाउन करना अहम जरूरी है हमारे लिए। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर इसे बढ़ा भी दिया है। केंद्र सरकार भी जल्द ही अप्रैल के पूरे महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इस दौरान जरूरी कामकाज के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, ताकि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के साथ अव्यवस्थाया के कामकाज भी जारी रखा जा सके। सोमवार से केंद्र सरकार खुद मंत्रालयों में अपने कामकाज पर लौटेगी। साथ ही विभिन्न आवश्यक सेवाओं को भी पूरा एहतियात बताते हुए शुरू किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स।